केंद्र की मोदी सरकार हज सब्सिडी पर बड़ा फैसला कर सकती है। हज सब्सिडी खत्म करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 6 सदस्य समिति बनाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला इसके समिति के अध्यक्ष होंगे। ये समिति अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट देगी। माना जा रहा है कि सरकार हज यात्रा की सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। बजट सत्र में इस बारे में फैसला हो सकता है। सरकार हज यात्रा को सस्ता करने के तरीकों पर भी विचार करेगी। उधर सऊदी सरकार ने भारत के हज कोटे में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने भारत के सालाना हज कोटे में 34,500 की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद सालाना हज कोटा 1,36,000 से ज़्यादा बढ़कर 1,70,000 हो गया है।